सुबह स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर रॉयल रंबल का क्रेज तो मुझे लग रहा है आपके सर से उतर चुका है और एलिमिनेशन चेम्बर का जो बिल्टअप है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर रॉयल रंबल को लेके एक चीज अभी भी रह गई है, वो है यहाँ पर स्टार रेटिंग। तो हर बार की तरह यहाँ पर स्टार रेटिंग वाली वीडियो आ चुकी है। रॉयल रंबल के जितने भी मैचेस हुए थे इस साल के पे पर व्यू के अंदर, उसकी यहाँ पर स्टार रेटिंग निकल के आ चुकी है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो आज फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले मैच के बारे में, जो कि हुआ था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंग्स के बीच में। और शो की स्टार्टिंग में यानी कि ओपनिंग मैच ही हमने ये वाला देखा था। और हम जानते हैं यहाँ पर पूरे शो का सबसे बेस्ट मैच मेरे हिसाब से तो यही था, क्योंकि दोनों सुपरस्टार ने जो मैच दिया था यहाँ पर वो तो एक नंबर का था। और जिस तरीके से मैच से पहले दोनों सुपरस्टार की जो एंट्रेंस हुई थी, स्पेशली यहाँ पर सेथ रॉलिंग्स की, जो उनके माइंड गेम्स होते हैं, उसने तो भाई सबको पहले से यहाँ पर एकदम गूसबम्स ला दिए थे कि इस मैच के अंदर होने कौन मतलब क्या होने वाला है। और मैच तो हमने देखा था, काफी बढ़िया था, लेकिन इस मैच का जो रिजल्ट है डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो गया था, जो कि किसी को खास पसंद आया नहीं था। लेकिन बात करें मैच की स्टार रेटिंग के बारे में, तो यहाँ पर इस मैच को रेटिंग मिली है 3.5 स्टार की। अगला जो मैच आता है वो यहाँ पर आता है, जो कि हुआ था विमेंस का रॉयल रंबल मैच, यानी कि 30 विमेंस रॉयल रंबल मैच। और ये वाला जो मैच था मेरे हिसाब से यहाँ पर जो मेंस रॉयल रंबल मैच हुआ था उससे काफी है ना बेटर था। मतलब इस साल के अगर दोनों मेंस या फिर विमेंस रॉयल रंबल मैचेस की मैं बात करूँ, तो मैं यहाँ पर विमेंस वाले की साइड जाऊँगा, जिसके अंदर काफ़ी सरप्राइजेज हमने देखे थे। मतलब मेंस वाले से तो मुझे काफ़ी है ना बढ़िया लगा था। लेकिन रेटिंग की बात करूँ तो भाई यहाँ पर कुछ जो सीन है वो यहाँ पर एक जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर इस मैच को रेटिंग मिली है 2.5 स्टार की। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विमेंस रॉयल रंबल मैच के बारे में, तो यहाँ पर मैं मेंस रॉयल रंबल की भी स्टार रेटिंग आपको बता देता हूँ, जो कि हमने देखा था इस साल का जो रॉयल रंबल मैच है वो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर जीते थे। और रेटिंग जैसे कि मैंने कहा सेम है, एक जैसी है, क्योंकि इस वाले मैच को भी यहाँ पर रेटिंग मिली है 2.5 स्टार की। तो दोनों मैच यहाँ पर स्टार रेटिंग के हिसाब से तो काफ़ी सेम ही है, क्योंकि दोनों को एक जैसी स्टार रेटिंग मिली है। लेकिन मैं यहाँ पर विमेंस वाले की साइड जाऊँगा, जो कि मुझे वो मैंस के कंपैरिजन में काफ़ी सही लगा था। अगला मैच की बात करें, जो कि गाइस यहाँ पर हुआ था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बैकी लिंच वर्सेस ड्रू ड्रॉप के बीच में। अब इस मैच के अंदर मेरा कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, और ना ये मैच मुझे कुछ खास ज़्यादा पसंद आया था। मैच यहाँ पर कोई बुरा नहीं था, अच्छा मैच यहाँ पर था, लेकिन वही बात है क्योंकि शो के ऊपर इतने सारे अच्छे अच्छे मैचेस थे, तो वो थोड़ा कह सकते हो ये वाला जो मैच है वो थोड़ा सा दब सा गया था। और रेटिंग में आपको इस मैच की बताऊँ तो यहाँ पर इस मैच को भी सेम ही रेटिंग मिली है 2.25 स्टार की। अगला मैच आता है वो यहाँ पर आता है, जो कि हुआ था एक मिक्स टैग टीम मैच एज एंड बैथ फीनिक्स वर्सेस मेजर मरीज के बीच में। और ये वाला भी जो मैच था मेरे हिसाब से ज़्यादा उतना कुछ खास था नहीं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इस मैच के चलते हमें हो सकता है एंटरटेनमेंट भरपूर देखने को मिले, तो वैसे यहाँ पर हमने कुछ देखा था। और हमने देखा था इस मैच को यहाँ पर एज और बैथ फीनिक्स ही जीत गए थे। और यहाँ पर इस मैच की मैं आपको स्टार रेटिंग बताऊँ तो यहाँ पर इस मैच को रेटिंग मिली है 2.75 स्टार की। अगला मैच आता है वो यहाँ पर आता है WWE चैंपियनशिप के लिए एक ड्रीम मैच, फर्स्ट टाइम एवर मैच, जो कि हमें फाइनली देखने को मिल चुका है ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेसली के बीच में। ये वाला भी मेरे हिसाब से काफ़ी एक सही मैच था, ज़्यादा उतना कोई लंबा मैच नहीं था, लेकिन जितना भी छोटा सा मैच हमने देखा था काफ़ी कह सकते हो बढ़िया मैच हमने देखा था। स्टोरी हमने देखी थी जिस टाइप से वो सुप्लेक्स मार रहे थे ब्रॉक लेसनर बॉबी लेसली, और जिस तरीके से यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर रहे हैं वो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे, तो काफ़ी मेरे हिसाब से एक सही मैच था। और इस मैच का भी जो रिजल्ट है वो कुछ हमने अलग ही तरीके से देखा था, जहाँ पर रोमन रिंग्स आ गए थे, पॉल हेमन यहाँ पर रोमन रिंग्स की साइड हो गए थे, तो वैसे यहाँ पर हमने इस मैच का रिजल्ट देखा था। और यहाँ पर बॉबी लेसली न्यू चैंपियन बन गए थे। और रेटिंग में आपको इस मैच की बताऊँ तो यहाँ पर इस मैच को रेटिंग मिली है 3.25 स्टार की, जो कि यहाँ पर इस मैच को मिले हैं। तो इतने सारे मैचेज हमने देखे थे, जो कि रॉयल रंबल के इस साल के रॉयल रंबल 2022 प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर हमें देखने को मिले थे। कमेंट करके बताना कि आपको रॉयल रंबल का कौन सा मैच सबसे ज्यादा बढ़िया लगा, और आपकी यहाँ पर क्या स्टार रेटिंग है, आपके इस मैच को यहाँ पर कितने स्टार देना चाहोगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। तो गाइस फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।